हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो सिटी की टिवाडिया चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम पहुंच चुके हैं अपने 11 मंथ के फर्स्ट वीक में। आज मैं आपको एक ऐसा ऑयल बनाना सिखाऊंगी जिसको आप घर पर आराम से बना सकते हो और किसी भी टाइम आप उसको यूज़ कर सकते हो। हफ्ते में दो बार यूज़ करोगे तो बहुत अच्छा है। डैंड्रफ को दूर तो करेगा ही, इची स्कैल्प जो होती है उसको भी रिमूव करेगा, आपके हेयर को सॉफ्ट बनाएगा, आपके हेयर में शाइनिंग लाएगा और आपकी रूट जो जहाँ से डैमेज हो चुकी है उनको रिपेयर करेगा, जहाँ से आपके हेयर झड़ चुके हैं वहाँ पर न्यू हेयर लाने में हेल्प करेगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं आज का ऑयल, जो घर की चीज़ों से ही बनाएंगे। बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो आपके किचन में ही मिल जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने गैस को ऑन कर दिया है और इसके ऊपर सबसे पहले हम रख रहे हैं अपना तवा। आप कुछ भी रख सकते हो, कढ़ाई, तवा, जो आपके पास हो, मतलब कि डबल बॉयलर जिसे बोलते हैं, उस मेथड से हम यहाँ पर ऑयल प्रिपेयर करने वाले हैं। और जो बॉटम होता है किसी भी पैन का या कढ़ाई, जो भी आपके पास हो कटोरा, उसका बॉटम जो है वो मोटी तली का होना चाहिए, ऐसा कुछ लेना। तो यहाँ पर मैंने अपना ले लिया है कॉपर का, इसकी बॉटम है, हैवी बॉटम है। तो यहाँ पर मैंने लिया है अपना नारियल तेल और उसमें मैं ऐड करने वाली हूँ कलौंजी और मेथी। जितनी भी हेयर से जुड़ी हुई प्रॉब्लम होती है उन सारी चीज़ों को ये दो चीज़ें बिल्कुल रिपेयर कर देती हैं, ठीक कर देती हैं। कलौंजी हमारे हेयर को ब्लैक करती है, शाइनिंग बनाती है, और जो हमारी मेथी दाना है वो भी हमारे हेयर को स्ट्रॉन्ग बनाता है, रूट को स्ट्रॉन्ग बनाता है और हेयर फॉल को झड़ने से रोकता है। तो देखिए, मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पर करके इसको पका लिया है अच्छे से। आपने देखा होगा कि धुआं यहाँ पर उठ गया अच्छे से। आपको ऑयल को रिड्यूस नहीं करना है, जितना है उतना ही रहने दीजिए, बस इसमें धुआं अच्छे से निकल जाना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर मैंने कैस्टर ऑयल आपको दिखाया, वो हम यूज़ करेंगे, बट उससे पहले हमने यहाँ पर बहुत सारे कड़ी पत्ता डाला है। ये फ्रेश वाले हैं, आपके पास सूखे हुए हों तो वो भी डाल सकते हो, क्योंकि ऑयल हमारा ठंडा हो जाएगा, इसीलिए पहले हमने करी पत्ता डाला है। और उसके बाद यहाँ पर 3 से 4 स्पून, आप जितनी आपकी ज़रूरत हो आप उतना यहाँ पर कैस्टर ऑयल डालोगे। कैस्टर ऑयल एक ऐसी चीज़ है जो आपके हेयर की जो रूट डैमेज हो गई है उनको ठीक करता है, हेयर फॉल जो हो गया है जहाँ से रूट में से, उस वहाँ पर नए हेयर को लाने में हेल्प करता है। तो देखिए, ये सब मिक्स करने के बाद मैंने इसको ठंडा कर लिया था और उसके बाद मैंने इसको छान लिया है। छाना यहाँ पर मैंने प्लास्टिक की बोतल में है, आप चाहो तो किसी कांच की बोतल में भी छान सकते हो। उसके बाद देखिए, यहाँ पर मैं कुछ इसेंशियल ऑयल इसमें ऐड करने वाली हूँ। ये है यूकेलिप्टस इसेंशियल ऑयल, ये भी हेयर के लिए बहुत अच्छा होता है। 3-4 ड्रॉप आपको इसमें ये डालनी है। इसके बाद टीट्री ऑयल है, ये भी आपकी हेयर फॉल की प्रॉब्लम को दूर करता है, डैंड्रफ को हटाता है। 3 से 4 ड्रॉप यहाँ पर मैंने टीट्री ऑयल की भी डाली है। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, बहुत अच्छे से मिक्स करना है। यहाँ पर फास्ट फॉरवर्ड में मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने बहुत अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लिया था। और उसके बाद चले अपने हेयर पर इसको अप्लाई कर लेते हैं अच्छे से मिक्स करने के बाद। ये देखिए, आफ्टर वॉश ये सब कुछ हो रहा है। आप वॉश करने के बाद, अपने हेयर को वॉश करने के बाद इस ऑयल को बिल्कुल भी मत लगाना, क्योंकि हम इसको यूज़ करने के बाद अपने हेयर को वॉश करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, अच्छे से रूट में सभी जगह लगा लेना। अभी मैंने आपको दिखाया कि जो आपने ऑयल रेडी किया है उसमें सारे के सारे ऑयल में आपको अपनी फिंगर डिप नहीं करनी है। किसी भी कटोरी या मेरी तरह अपनी हथेली पर ऑयल लीजिए और उसको अपने रूट में लगा लीजिए। लेंथ में लगाने की इतनी कोई खास ज़रूरत नहीं है, आपको रूट में लगाना है। जितना ज़्यादा रूट में लगाओगे और वहाँ पर मसाज करोगे, आपकी जो रूट है वो पेनिट्रेट होंगी, उनमें ऑयल जो है अंदर तक जाएगा, अपना वर्क करेगा, तो आपकी रूट भी स्ट्रॉन्ग होगी और जितनी भी हेयर से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है वो सारी दूर करेगी, हेयर को स्ट्रॉन्ग बनाएगी, हेयर फॉल की प्रॉब्लम जो होती है उसे ख़त्म करेगी, डैंड्रफ की प्रॉब्लम को ख़त्म करेगी, आपके हेयर को सॉफ्ट बनाएंगे। बिलीव मी, जब आप ये पैक लगाने के बाद, आप पैक बोलो, ऑयल बोलो, जो आपको अच्छा लगे, इसको लगाने के बाद जब अपने हेयर वॉश करोगे और अपने हेयर को टच करोगे तो आपको खुद को फील होगा कि मेरे हेयर जो हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। एक बार करने से कुछ नहीं होता है, कम से कम 1 महीना लगकर कीजिए, हफ्ते में 2 बार कीजिए तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो यहाँ देखिए, इन्वर्जन मेथड मैं आपको दिखा रही हूँ, ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे इस वाले ऑयल को करके करो या फिर कोई भी ऑयल आप जब भी लगाते हो तो इन्वर्जन मेथड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रात को सोने से पहले एक बार इन्वर्जन मेथड करो और उसके बाद कॉम करके सो तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अच्छे से मैंने मसाज कर लिया है। आने वाले टाइम में मैं आपको घर पर ही हेयर स्पा करना भी बताऊंगी, कैसे आप घर पर इजीली हेयर स्पा कर सकते हो। तो बहुत जल्दी उसका वीडियो भी चैनल पर अपलोड होगा। तो देखिए, अच्छे से मसाज कर लिया है और 10 मिनट तक आपको मसाज करना है बहुत अच्छे से। मैं मसाज करने के बाद दिखाती हूँ आपको।
तो ये देखिए मैंने मसाज कर लिया है, और आप देख सकते हो मैं दिखा रही हूँ आपको कि आपको सो जाना है इस ऑयल को लगाकर। और अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि नहीं मैं रात को नहीं लगा सकता, ऑयली स्कैल्प हो जाती है, ये है वो है, गर्मी लगती है, तो कोई बात नहीं, आप 1 से 2 घंटा इसको अपने हेयर पर रहने दीजिए और उसके बाद आप इसको नॉर्मल वाटर से वॉश कर दीजिए। शैम्पू लगाना ज़रूरी है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब में जो घंटी का बेल आइकन आता है ऑल पर प्रेस कीजिए।